बच्चों के केसेस में सबसे ज्यादा प्योर, सबसे ज्यादा सच्चे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स मिलते हैं। और बच्चों में बहुत ज्यादा बड़ी दो चार बातें करने से, जैसे मैंने पिछली बार 5-7 केसेस बताए थे कि छोटी छोटी दो दो चीजें ली और हमने वो केसेस क्लियर कर दिए। आज हम बात करेंगे बहुत सारे उन रूब्रिक्स की जो मैं बच्चों में, बच्चों की केस हिस्ट्री में लेती हूँ। तो बच्चा चाहे 2 साल का हो, 4 साल का, 6, 8, 10, 12, 15, जितने मर्जी साल का हो, तो बच्चों के केसेस में सबसे ज्यादा प्योर रूब्रिक्स मिलते हैं, सबसे ज्यादा क्लियर रूब्रिक्स मिलते हैं। जब हम बड़े से किसी से बात करते हैं तो अक्सर बड़ों में हम पूछते हैं, आपको गुस्सा गुस्सा कितना आता है? वो जी गुस्सा तो नहीं आता। साथ में पत्नी बैठी होती है, वो कहती जी इनको तो हद से ज्यादा गुस्सा आता है। तो वहां पे वो बहुत चीजें छुपा जाते हैं, लेकिन बच्चों के केसेस में ऐसा नहीं होता। चाहे हम बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चंस करें, चाहे उनके पेरेंट्स से करें, और बहुत सारी ऐसे भी सिम्टम्स होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे पिछली बार हायोसेमस का बताया था कि बच्चा रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। तो ऑब्जर्व करके भी हम बहुत सारे केसेस मिनट 2 मिनट में ले सकते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चे का केस मैं किस तरह से लेती हूँ। बच्चों के बारे में 10-20 इस तरह की चीजें हैं जो हमें उनके बारे में पता होनी चाहिए। जो मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि बच्चा कहना मानता है या नहीं मानता, या तो वो मानता है या तो वो नहीं मानता। तो यहाँ पे डिसोबीडियंस आएगा अगर वो नहीं मानता। अगर वो मान लेता है, किसी की भी बात मान ले, तो हम यील्डिंग में लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ओबीडियंस का कोई रूब्रिक नहीं है। लेकिन अभी एक एडिशन हुई है, रडार में हुई है, जिसमें ओबीडियंस की सिर्फ 1 या 2 मेडिसिन उन्होंने ऐड की है। लेकिन अगर बच्चा कहना मानता है, जैसे मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, वैसे बात मान ली, तो उसको हम यील्डिंग में लेते हैं। ओबीडियंस कुछ भी ऐसा पहले तो रूब्रिक नहीं था। और अगर बच्चा कहना नहीं मानता तो डिसोबीडियंस। डिसोबीडियंस में बहुत सारी 44 मेडिसिन्स। मेरा जो सेकंड उनसे पूछती हूँ मैं कि इसके और आगे के बारे में बताइए, ये कोई भी चीज लेनी होती है कितनी जिद करता है, कितने डिमांड्स होती हैं? तो या तो बच्चा जिद्दी होगा, या जैसे यील्डिंग में है कि कोई बात, जो भी बोला, जो भी दे दिया, खा लिया, जो भी दे दिया पहनने के लिए पहन लिया, तो वो यील्डिंग में आएगा। लेकिन अगर वो जिद्दी है, बात नहीं मानता है, तो हम ऑब्स्टिनेट हेड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन लेंगे। इस रूब्रिक में 34 मेडिसिन्स है। जो बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, अपनी ही बात मनवाते हैं कि बस मैंने जो बोल दिया, मैंने वो ही खाना है, वो ही पहनना है, वो ही करना है, होमवर्क नहीं करना, नहीं करना, इस तरह से जिद्दी बच्चे। नेक्स्ट, हम डर के बारे में मैं अक्सर पूछती हूँ कि किस किस चीज से डर लगता है। अंधेरे का डर, फियर, डार्क एंड फियर इंजन, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि जब हमने ये सब पढ़ना शुरू किया, इट वॉज इन 93, जब हमने ये माइंड सिस्टम पे आए, तो फियर डार्क एंड फियर इंजर्ड में एक ही मेडिसिन हुआ करती थी, दैट वाज सेट्रामोनियम। उसके 10 साल के बाद न्यू एडिशंस हुई तो फियर डार्क एंड फियर इंजर्ड में 6 मेडिसिन्स आ गई। हायोसेमस, सेट्रामोनियम, जेलसीमियम, आर्सेनिक, वेलेरियाना एंड कैलेडियम। और अगर हम आज देखें तो आज इसमें 5-7 एडिशंस और हो चुकी हैं। सीपिया आ गई, चाइना आ गई, और भी बहुत सारी मेडिसिन्स इसमें ऐड हो गई। तो बच्चे से पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स से कि ये डरता कितना है अंधेरे से? या तो वो कहेंगे कि बहुत डरता है जी, अंधेरे से बहुत डरता है, तो हम फियर डार्क लेंगे। और इंजेक्शन से, टीके से, इसमें दो रूल्स होते हैं। पहले क्या ये मेरी वाली डायरी है यहाँ रखी थी? डॉक्टर आर के, प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। जी थैंक यू। तो फियर इंजर्ड में इंजेक्शन का डर, ये पर्टिकुलरली इंजेक्शन के डर को हम लेते हैं, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। और इसके साथ एक और रूब्रिक है, फियर पिन्स ऑफ, शार्प थिंग्स ऑफ।
बाय चांस आपकी दवाई कोई ऐसी निकल रही है जिसमें फियर इंजर्ड नहीं है लेकिन फियर पिंस है, तो वो मैं तो वो भी लेती हूँ कि फियर पिंस ले लो, फियर शार्प थिंग्स, ये रूब्रिक है। और बहुत रूब्रिक्स हैं फियर के अंडर, कितने डर लगते हैं, जैसे मैंने उस दिन फियर डार्क, फियर इंजन में फियर्स फुल ऑफ, बहुत ज्यादा फियर्स, बेहद फियर्स, फियर्स अनअकाउंटेबल, फियर्स किसी जानवर से। तो मैं अक्सर पूछती हूँ कि छिपकली से, कॉकरोच से, कुत्ते बिल्लियों से कितना डरता है बच्चा। तो वो सब जैसे जैसे पेशेंट्स अपने बच्चे के बारे में बताते हैं तो वो हम नोट कर सकते हैं। भूत प्रेतों से डर, ये भी किसी भी तरह के डर, आप डर वाले चैप्टर मुझे लगता है कि 30-40 पेजेस हैं अकेले फियर्स के हमारी रेपर्टरी में। तो फियर में हम और भी बहुत सारे फियर्स पूछ सकते हैं, या कई बार पेशेंट खुद ही बता देते हैं कि ये बच्चा तो फलानी चीज से बहुत डरता है। तो वहां पर हम जो पर्टिकुलर चीज बताई है वो चीज जरूर लेंगे। उसके बाद आता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, या तो वो टॉपर होगा या मीडियोकर होगा या फेलियर होगा। और टॉपर्स में बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक्स हैं, गोल्डन पर्सनैलिटीज हैं, अक्सर उनमें ऑरम आती है, कार्सिनोसिन आती है, ये इस तरह की इंटेलिजेंट मेडिसिन, जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, चाहे वो अंदर से इंटेलिजेंट है, चाहे उनके ऊपर प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर है कि तुमने फर्स्ट आना ही आना है, चाहे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हम इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल या प्रीकॉसिटी होता है कि बच्चा अपनी एज से ज्यादा उसमें मेच्योरिटी है। जैसे बहुत बार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम इससे कोई बात करते हैं या हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो ये इस तरह का जवाब देता है, हम तो हैरान ही रह जाते हैं कि इतना छोटा भी 5 साल का है और बात कितनी सियानों वाली की। तो ये जो ये वाला वर्ड है सियाना, बहुत ज्यादा अपनी उम्र से ज्यादा मेच्योर होना, अपनी उम्र से ज्यादा बड़ों वाली बातें करनी, मेच्योरिटी वाली बातें करनी, तो वहां पर प्रीकॉसिटी हम बच्चों में लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों का कि ये टिक के बैठ जाता है या नहीं बैठ जाता है, शरारती कितना है, शरारते कितनी करता है, तोड़फोड़ कितनी करता है। तो अगर तोड़फोड़ करता है तो डिस्ट्रक्टिवनेस रूब्रिक है। अगर वो उसका दिल करता है तो मैं मोबाइल को पकड़ के फेंक दूं, तोड़ दूं, लेकिन एक डिजायर है तो ये ब्रेक डिजायर है। ब्रेक में ये रूब्रिक नहीं है कि वो ब्रेक करता है, उसकी एक इच्छा है कि वो ये चीज उठा के फेंक दे, रिमोट उठा के तोड़ दे, ब्रेक डिजायर। लेकिन डिस्ट्रक्टिवनेस में वो चीजों की तोड़फोड़ करता है, कभी रिमोट तोड़ दिया, कभी फोन उठा के पटक दिया, तोड़ दिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। और कई बच्चे होते हैं शरारतें बहुत करते हैं, टिक के बैठ ही नहीं सकते। यहां पर हम लेते हैं सिट एवर्शन टू, जो बिल्कुल भी टिकते ही नहीं है। अभी यहाँ थे, इवन यहाँ पे क्लिनिक पे आके अभी यहाँ थे, अभी वहां है, अभी यहाँ आ गए, अभी ये बीच में देखने लग पड़े, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ छेड़ दिया। यहाँ मेरे डेट्स लिखी होती है, रोज की डेट होती है, वो डेट्स ही चेंज करते हैं, कभी कुछ छेड़ दिया, तो वो टिक ही नहीं सकते। मैं अभी 5-7 केसेस भी करवाऊंगी इन सब रूब्रिक्स के साथ रिलेटेड। तो अभी हम एक ब्रॉडर वे में देख रहे हैं कि किस तरह से हम रूब्रिक्स लेते हैं। सेट एवर्शन टू में सिर्फ 2 मेडिसिन है, लैकेसिस एंड आयोडा, और दोनों मेडिसिन मैंने बहुत बार इस्तेमाल की है, जो बच्चे बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। और इसके साथ जो लैकेसिस है उसमें बच्चे कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं सकते, कैओटिक, कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग इन ऑर्डरली मैनर। अगर मान लो यहाँ पे एक ग्लास पड़ा है
उससे वो गिलास गिरना ही गिरना है। अगर मान लो वो लिख रहा है पेंसिल से, उसकी पेंसिल का सिक्का टूटना ही टूटना है। वो कोई भी काम ढंग से कर ही नहीं सकते। सिंगुलर मेडिसिन है लैकेसिस, केओटिक, इतना ज्यादा क्योस होता है, केओटिक, कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग इन ऑर्डरली मैनर, ढंग से कर नहीं सकते। और ये इतना सुंदर रूब्रिक है जो पता नहीं सैकड़ों बार मैंने इस्तेमाल किया होगा। और ये हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा हाइपर, बहुत ज्यादा एक्टिव, कुछ ना कुछ करते रहना एक्टिविटी के अंडर है हाइपर एक्टिव। फिर अगर बच्चों की, छोटे बच्चों की बात करें, उनमें एंगर, टेंपर, टेंट्रम्स, टेंट्रम्स थ्रो करने, वो क्या होता है, जैसे गुस्सा चढ़ा, उनकी बात पूरी नहीं हो रही, उनकी जो इच्छा है समझ नहीं आ रही पेरेंट्स को, छोटे बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है, वो अपनी बात समझा नहीं पा रहे, तो वो जमीन पे लेट जाएंगे, अपनी मदर के ये बाल नोच देंगे, थप्पड़ मारने लग जाएंगे। ये एंगर, टेंपर, टेंट्रम्स होता है। जमीन पे लेट जाना, बाजार जाएंगे, कोई चीज चाहिए इनको और पेरेंट्स लेके नहीं दे रहे, वो सारे बाजार में सेंटर में लेट जाएंगे नीचे। बेचारे पेरेंट्स की इतनी, वो खुद को बहुत इंसल्टेड फील करते कि क्या बच्चे को क्या करें। सो ये एंगर, टेंपर, टेंट्रम्स होता है, जिसमें ये समझ नहीं आती कई बार कि बच्चे को चाहिए क्या है। नेक्स्ट आता है कुछ बच्चे, जैसे मैंने उस दिन केसेस किए थे आर्सेनिक के बच्चे बहुत ज्यादा पर्टिकुलर, बहुत ज्यादा ढंग से काम करने वाले, बहुत ज्यादा तरीके से, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है, अपनी बुक्स को बहुत ढंग से रखते हैं, अपना बैग को सजा के रखते हैं, अपने जो पेंसिल बॉक्स होता है उसमें चीजें बिल्कुल एक तरीके से रखनी, तो वहां पर हम फास्टिडियस लेते हैं कि हर चीज ऑर्डर डिजायर भी नया रूब्रिक है, वो भी आ जाता है, लेकिन उन रूब्रिक्स में बड़ी डिफरेंट सी मेडिसिन हैं जिनकी अभी तक बहुत ज्यादा हमने जिनको इस्तेमाल नहीं किया। और फास्टिडियस ये बच्चे वो होते हैं जो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं, बहुत फसी होते हैं। मम्मी ने अगर उसके बैग में ऐसे ही करके डाल दी बुक्स, तो वो बच्चा बहुत तंग हो जाता है कि आप छोड़ दो, मैं करूंगा, मेरा सामान है, मैं अपने आप रख लूंगा। और प्रॉपर ढंग से बड़े वाली बुक्स नीचे, छोटी फिर इधर, छोटी फिर इधर, कॉपीज इधर, बुक्स इधर, इस तरह से एक तरीके से, एक सलीके से, इस तरह से ये बच्चे होते हैं फास्टिडियस वाले। आगे बात आती है कि बच्चे क्वेश्चंस कितने पूछते हैं, उसमें दो रूब्रिक्स आते हैं, इनक्विजिटिव और दूसरा लाइट डिजायर। लाइट डिजायर में भी, लाइट डिजायर के बहुत सारे मीनिंग्स हैं, जिनमें से एक मीनिंग ये भी है कि पेशेंट को कुछ जानने की, कुछ पता करने की इच्छा होती है। तो इनक्विजिटिव में वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। दोनों में फर्क क्या है, लाइट डिजायर एंड इनक्विजिटिव? इनक्विजिटिव में वो जिज्ञासु होते हैं कि ये चेयर कैसे बनी, ये कौन बनाता है, कहाँ पे बनती है, कौन सी शॉप होती है, वो इस कपड़े को कैसे लगाते हैं, वो इसको रंग कैसे करते हैं। He keeps on asking questions, बार बार, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा है कुछ जानने की कि ये कैसे बने। और लाइट डिजायर में होता है कि थोड़ा सा पता करना, बस एक दो क्वेश्चंस किए, बात खत्म। तो इंक्विजिटिव में भी बहुत सारी मेडिसिंस हैं, इसमें है 14 मेडिसिंस, और लाइट डिजायर में 20 मेडिसिंस है। नेक्स्ट आता है कि बच्चे, उसके पेरेंट्स उसके ऊपर कितना दबाव डाल के रखते हैं, वही जो अभी किया, एलमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ, इसमें डोमिनेशन बाय अदर्स भी है, डोमिनेशन बाय पेरेंट्स भी है, और प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ, लंबे समय तक होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार पेरेंट्स ने बोल दिया कि तुमने फर्स्ट आना है तो वो डोमिनेशन ले लो। डोमिनेशन का मतलब होता है दूसरे के ऊपर रोब डालना, बहुत ज्यादा रोब डालना,
और ये बहुत लंबे समय तक चलेगा, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ, या प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक। तो इस रूब्रिक में 4 मेडिसिंस हैं, हाँ 4 मेडिसिंस हैं, जिसमें लाइकोपोडियम है एंड कार्सिनोसिन तो है ही है, लाइकोपोडियम, कार्सिनोसिन, प्लेटिना, नहीं प्लेटिना नहीं है, सीपिया और एक और फॉलिकुलाइनम शायद वो है। तो इसमें 4 मेडिसिंस हैं। नेक्स्ट आता है एलिमेंट फॉर्म के साथ रिलेटेड जो डोमिनेशन है, उसमें हार्श अपब्रिंगिंग भी आता है कि बच्चे की रोज पिटाई होती है। हार्श अपब्रिंगिंग में बच्चे को झट से थप्पड़ पड़ जाता है, या बहुत ज्यादा रूड बिहेव करना पेरेंट्स के द्वारा बच्चे के साथ, वो हार्श अपब्रिंगिंग होती है कि बहुत गलत तरीके से बहुत ज्यादा मारना पीटना, बहुत इस तरह का टॉर्चर करना, वहां पे हार्श अपब्रिंगिंग लेते हैं। एलिमेंट फ्रॉम में और भी बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे एलिमेंट फ्रॉम पनिशमेंट, के बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई, क्यों हुई, क्योंकि कल स्कूल में पनिशमेंट मिली थी, सबके सामने पनिशमेंट मिली थी, इसलिए बच्चे के मन में आया कि ये मुझे पनिशमेंट क्यों मिली, और इस वजह से बच्चे का सिर दर्द हो सकता है, बच्चा बीमार हो सकता है, उसको बुखार हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा इंसल्ट फील की। इस रूब्रिक में हमारे पास 11 मेडिसिंस है, और ये बहुत बार देखने को मिलता है कि एलिमेंट फ्रॉम पनिशमेंट सदा मिलने पर। नेक्स्ट आ जाता है कि कुछ पेशेंट बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं, होमवर्क ही नहीं करते, बहुत ज्यादा लापरवाह, कोई चिंता नहीं होती किसी भी, ना काम करना, ना पढ़ाई करनी, ना पढ़ना, ना याद करना, ना लिखना, टीचर्स कुछ भी कहीं चले उसकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होता। फ्रिवलेस काइंड ऑफ पीपल, बिल्कुल भी लापरवाह, कोई एक्शन नहीं लेना कि उसने, उसके पेपर आ रहे हैं, उसको पढ़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फ्रिवलेस काइंड ऑफ, और उसके ऑपोजिट दूसरे कौन होते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। हमारे इधर हार्ड वर्कर वाला ऐसा कोई रूब्रिक नहीं है, तो हम उसको इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क, बहुत मेहनती, जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, जिनको पागलपन की हद तक पढ़ने की, काम करने की आदत होती है। बच्चों में पढ़ने वाला ले सकते हैं, बड़ों में हम उनके काम के साथ रिलेटेड ले सकते हैं कि सुबह 8 बजे से रात के 10-10 बजे तक काम करते रहना। तो वहां पर इंडस्ट्रीज, बहुत ज्यादा मेहनती लोग, मेनिया फॉर वर्क, काम 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 काम, इस तरह के। और इसके साथ रिलेटेड एक और रूब्रिक है एक्टिविटी डिजायर, कुछ भी कार्य करना, लेकिन एक्टिविटी डिजायर में एक इच्छा है। रूब्रिक्स बहुत क्लियरली लिखे होते हैं, हम बहुत बार, मैं कितने ग्रुप्स में देखती हूँ कि बात क्या चल रही होती है और रूब्रिक क्या बना रहे होते हैं, बड़ी हैरानी होती है कि ये तो बिल्कुल सूट भी नहीं करता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो किया। लेकिन बहुत बार लोगों को देखा है कि ऐसे ही फजूल में कुछ ना कुछ, बस जो मन में आया वो लिख दिया, जो मन में आया वो बना दिया। दूसरी बात, जब भी आप चाहते हो कि मैं पेशेंट को ठीक करूं, मैं पेशेंट को क्योर दूं, क्योंकि क्योर देना हमारा काम है, एलोपैथी में पैलिएशन है, वो टेम्परेरी कंट्रोल कर सकते हैं, जितना मर्जी ब्लड प्रेशर हो वो दवाई देके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको क्योर नहीं कर सकते। वो हमें ताकत है कि हम क्योर कर सकते हैं, और उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, प्रॉपर केस हिस्ट्री लीजिए, उसको रेपर्टराइज कीजिए, और जो दवाई निकली है उसको एक तरीके से दीजिए। कितने ग्रुप्स में ये होता है, एक पेशेंट किसी की फोटो डालता है, ये क्या है, दूसरा बंदा नीचे लिखता है ये तो फलानी चीज है, वो कहता है दवाई कौन सी है, वो कहता है ये दवाई है, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट होम्योपैथी, ये होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी में हम इस तरह से मेडिसिन
देयर आर ऑर्गन मेडिसिन, ऐसे नहीं है कि ऑर्गन मेडिसिन नहीं है, लेकिन अगर आपने पेशेंट को क्योर करना है, बच्चे को क्योर करना है, तो उसका पूरा केस लीजिए, पूरी केस हिस्ट्री लेकर उसको रेपर्टराइज कीजिए। रेपर्टराइज करने का सबसे बेस्ट जो इसका इसका फायदा है वो यही है कि बहुत सारी वो मेडिसिन हमें दिख जाती हैं जो हमारे दिमाग में भी नहीं आई होती। सो इसलिए मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप क्योर देना चाहते हो अपने पेशेंट्स को, तो प्रॉपरली केस लीजिए, चाहे आधा घंटा लग जाए, चाहे एक घंटा लग जाए, उसकी पूरी केस हिस्ट्री नोट करके उसका सेंटर निकालिए और फिर दवाई की सिलेक्शन कीजिए। नेक्स्ट रूब्रिक है, बच्चा जवाब किस तरह से देता है, बच्चा बातें कैसे करता है, वो आंसर्स कैसे देता है। बहुत सारे आंसर्स के नीचे रूब्रिक्स हैं, लेकिन जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं, आंसर सिविल कैन नॉट, या तो वो ढंग से जवाब देता है या नहीं देता। बहुत जो बदतमीज बच्चे होते हैं, बिल्कुल भी स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, जवाब ढंग से नहीं देते, आंसर सिविल कैन नॉट। पहले तो इसमें एक ही मेडिसिन हुआ करती थी, आंसर सिविल कैन नॉट, जी अभी भी एक ही मेडिसिन है, दैट इज कैमोमिला। ये ढंग से बात करता ही नहीं है, बहुत ज्यादा जिद्दी। जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो अगर किसी चीज के लिए जिद कर दें तो हम उनको वो चीज दे दे तो मान जाते हैं, और एक चीज लेके खुश हो गया तो नेक्स्ट डिमांड स्टार्ट हो गई कि अब मुझे ये चाहिए, दूसरी डिमांड पूरी हुई तो तीसरी डिमांड। लेकिन जैसे ही उसकी इच्छा पूरी क्यों, एक बार वो खुश हो जाता है। लेकिन इसके ऑपोजिट जो सिना होता है, वो जो मर्जी उसको देते रहे उसको, क्योंकि खुद को पता ही नहीं होता, वो इतना कैप्रिशियस होता है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आती कि उसको चाहिए क्या है। वो तो बस माने उठाया होता है, ऐसे ऐसे करता करता, ये चाहिए वो चाहिए, और चुप ही नहीं करता है। सो आंसर सिविल केयर नॉट, ठीक ढंग से बात करते ही नहीं। इवन मैंने तो यहाँ पर ये भी देखा है कि कई बार बच्चे सामने बैठे होते हैं, अपनी माँ की तरफ ऐसे घूर के देखते हैं, आंखें निकाल निकाल के, कि आपने ये कैसे बता दिया, और बोल भी देते हैं कुछ। तो वहां पर हम, अगर लगता है कि एक सिविलाइज्ड वे में, एक सभ्य तरीके से अगर वो जवाब नहीं देता, तो वी कैन टेक दिस, क्योंकि ये बहुत जिद्दी एंड बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं। नेक्स्ट, अगर छोटे बच्चे हैं, उठाने को कहते हैं तो कैरी डिजायर टू बी, ये हम दो तरह से यूज करते हैं, कैरी डिजायर टू बी, एक तो कैरी कर लो, उठाना, छोटे बच्चे को गोदी में उठाना, और दूसरा कैरी करना, एक डॉक्टर अपने पेशेंट को उसकी बीमारी की हालत से उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके जाएं, उसको भी हम मेटाफोरिकली यूज करते हैं कैरी डिजायर, कि एक बीमारी की कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में लेके जाना। और ये हम तब यूज करते हैं जब पेशेंट डॉक्टर एक बात बोलता है कि डॉक्टर साहब बस आप मुझे ठीक कर दो, आप, जब भी आपके ऊपर, उसकी बातों में हर बार यही होगा कि नहीं बस अब मैं आपके पास आ गया, अब आप मुझे ठीक कर दो, तो वहां पे कैरी डिजायर टू बी, के मुझे इस बीमारी की कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में लेके जाइए। कैरी के नीचे और भी हैं, कैरी डिजायर टू बी फास्ट, कैरी डिजायर टू बी स्लो, स्लो में पल्सटिला अकेली है कि डॉक्टर साहब टाइम जितना मर्जी लग जाए, बस मैं ठीक होनी चाहिए, आप मुझे ठीक कर दीजिए, मैं 6 महीने वेट कर लूंगी, मैं 1 साल वेट कर लूंगी, कोई बात नहीं, नहीं फर्क पड़ता जल्दी ना सही, लेकिन आप मुझे ठीक कर दीजिए। दिस इज कैरी डिजायर टू बी स्लो। लेकिन इसके ऑपोजिट के बस मुझे तो अभी के अभी, जस्ट नाउ, अभी के अभी ठीक कीजिए, दिस इज कैरी डिजायर टू बी फास्ट, के बहुत जल्दी से वो ठीक होना चाहता है। नेक्स्ट, रोने के बारे में आता है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो झट से रो पड़ते हैं, 2 मिनट में रो पड़ते हैं, तो वह हम वहां पे लेते हैं वीपिंग इजीली, बहुत जल्दी रो पड़ना। वीपिंग भी एक बहुत बड़ा रूब्रिक है जिसमें बहुत सारे सब रूब्रिक्स हैं,
वीपिंग इजीली, अगर तो वो हम पूछते हैं कि फिर चुप करवाओ तो चुप कर जाता है या नहीं करता, अगर तो चुप कराने से प्यार करने से मान जाता है फिर वो पल्साटेला में आता है, अगर नहीं मानता तो और मेडिसिन्स होती हैं, नेट्रामियोर है, इग्निशिया है, इनमें वो नहीं मानता जल्दी जल्दी। सो नेक्स्ट रूब्रिक है, जैसे अभी हमने कैरी डिजायर टू बी फास्ट किया उसके साथ रिलेटेड एक और रूब्रिक है, इन पेशेंट्स क्योर हिम एट वंस, पेशेंट इंसिस्ट दैट द डॉक्टर, वो डॉक्टर को कहता है कि बस मुझे अभी के अभी, वो इतना इंपेशेंट है, बेसब्रा है, पेशेंस होती है कि उसके अंदर कितना सबर है, कितनी पेशेंस है, लेकिन ये पेशेंट इतना बेसब्रा है कि ये डॉक्टर को कहता है कि मुझे बस मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे अभी के अभी ठीक। तो वहां पे कैमोमिला अगेन मेडिसिन आती है, अनसक्सेसफुल कैन नॉट, जिद्दी में भी एंड इम्पेशेंस में, अगर कैरी करने से चुप कर जाता है तो कैमोमिला होती है और अगर नहीं चुप करता तो सेना होती है, वीपिंग इजीली हो गया है, कॉन्सोलेशन हेलो, एमेलरेशन एंड कॉन्सोलेशन एग्रीवेशन। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा एम्बिशियस, और रोज उनके एम्बिशन चेंज होते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं किसी के भी प्रभाव के नीचे जल्दी आ जाते हैं। तो जो ज्यादा एम्बिशियस बच्चे होते हैं वहां पे हम लेते हैं एम्बिशन मच, या कुछ रेपर्टरीज में एम्बिशियस रूब्रिक है एम्बिशन मच, लेकिन एम्बिशन मच के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई भी तरीका अपनाते हैं फर्स्ट आने के लिए या अपना काम निकालने के लिए, बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। एम्बिशन मच मींस एम्प्लॉय एवरी पॉसिबल, जैसे मानो उसने मम्मी से कोई चीज मांगी, मम्मी ने कहा नहीं मिलनी, रोज तुम मैगी खाते हो, आज मैगी नहीं मिलेगी, लेकिन उसका तो दिल कर रहा है मैगी खाने को, तो मम्मी थोड़ी इधर हुई तो वो दादी के पास, दादी प्लीज मुझे मैगी बना दो, दादी तो फिर ऐसी ही होती है, तो दादी ने बना दी। इस तरह से ये एक से पापा से पैसे मांगे, पापा ने नहीं दिए कि नहीं कोई पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो अपने ग्रैंडफादर के पास चले जाएंगे, मम्मी के पास चले जाएंगे, उन्होंने अपना काम निकलवाना ही है किसी भी तरीके से। इसमें तीन मेडिसिन्स हैं, लाइकोपोडियम, विरेट्रम एल्बम एंड प्लेटिना, ये तीनों के तीनों, लाइको तो इसमें बहुत ज्यादा चालू बंदा होता है, बहुत ज्यादा डरपोक भी बहुत है, डरता भी बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ उसपे हर कोशिश करेगा, हर मुमकिन कोशिश करेगा, या पुष्पा लालवानी जी लिख रहे हैं फ्लैटर्ड, या फ्लैटरी, फ्लैटर्ड गिव्स एवरीथिंग व्हेन फ्लैटर्ड, इस तरह के रूब्रिक्स हैं। सो एम्बिशियस मच, एम्प्लॉयड मींस एवरी पॉसिबल, और इसके साथ है लाइकोपोडियम की एक बहुत बड़ी बात होती है कि वो जब स्कूल में होता है तो उसके जैसा तो कोई बच्चा ही नहीं है, इतना ज्यादा अच्छे ढंग से कभी इसकी स्कूल से शिकायत नहीं आई लाइकोपोडियम की, और घर में तूफान, एस्ट्रेंज फैमिली फ्रॉम हिज बीइंग काइंड विद स्ट्रेंजर्स, बाहर के लोगों के साथ तो बहुत ज्यादा अच्छा, लेकिन घर में तो इसके पेरेंट्स कहते हैं कि घर में तो इतना ज्यादा ये बदतमीज है कि पूछो मत, और स्कूल में बहुत बढ़िया, टीचर्स कहते हैं इसके जैसा कोई बच्चा ही नहीं। सो ये लाइकोपोडियम का बहुत इंपॉर्टेंट जो रूब्रिक है हम यूज करते हैं अक्सर। फिर बच्चों के पढ़ाई के साथ रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, स्टडिंग रीडिंग वाइल, लिखने में गलतियां करना क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी लिखते हैं, तो कंसंट्रेशन के अंडर कितने सारे स्टडी के साथ, पढ़ाई के साथ, बच्चों के साथ रिलेटेड रूब्रिक्स हैं, आप वो भी उनको भी ध्यान में रख सकते हैं जब कोई पेशेंट आता है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है ढंग से, तो
तो कंसंट्रेशन के नीचे रूब्रिक्स है कि क्या होता है उस टाइम बच्चे को, क्यों नहीं वो पढ़ता, तो बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं कंसंट्रेशन डिफिकल्ट के अंडर, वो हम बच्चों में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि बच्चा बोलता बहुत है, बातें बहुत ज्यादा करता है, लोक्वेसिटी, बहुत ज्यादा बोलना। एंड एक और बहुत अच्छा रूब्रिक है जेलसी के अंडर, जेलसी इन चिल्ड्रन व्हेन अ न्यू बेबी टेक्स द When a new baby, एक सेकेंड, jealousy general children when a new baby takes the attention of the family away, के घर में एक बच्चा है पहले और उस बच्चे को पहले फुल अटेंशन मिलती है, सारे उसके आगे पीछे घूमते फिरते रहते हैं। अब घर में एक नया बच्चा आ गया, एक और बच्चा पैदा हो गया, अब इसकी जो अटेंशन वाली वो थी वो सब खत्म हो गई, अब सारे उस छोटे से बच्चे को अटेंशन दे रहे हैं, तो इसके मन में तो बड़ा जेलस होते कि जो मुझे प्यार मिलता था, जेलसी का मीनिंग ही ये होता है, जो मुझे प्यार मिलता था वो अब इसको मिल रहा है, तो ये किस तरह की हरकतें करता है, कभी नए छोटे बच्चे के कभी चूंटी काट दी, कभी उसको बेड से गिरा दिया, कभी उसके थप्पड़ मार दिया, इस तरह की आउट ऑफ जेलस। तो इस रूब्रिक में हमारे पास सिर्फ दो मेडिसिन है, हायोसेमस एंड इग्नेशिया, और दोनों मेडिसिन को बहुत बार हमने बच्चों के केसेस में इस्तेमाल किया है। और अगर हम इग्नेशिया की बात करें तो इग्नेशिया में एक और बहुत अच्छा रूब्रिक है माइल्डनेस, क्विक टू परसीव, रैपिड इन एग्जीक्यूशन, जो भी वो लर्न करता है वो बहुत जल्दी लर्न कर लेता है, बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करता है, परसीव कर लेता है, एंड क्विक रैपिड इन एग्जीक्यूशन, और उसको अप्लाई भी करता है। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आए थे तो उन्होंने बड़े 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 शब्दों का इस्तेमाल किया, होम्योपैथी के शब्दों का। मैंने कहा आपको ये शब्द कहाँ से आते हैं जो आप बोल रहे हो? कहते जी मैं तो रोज डिक्शनरी में से 10 शब्दों का इस्तेमाल, 10 शब्दों को पढ़ता हूँ और रोज उनको इस्तेमाल में लाता हूँ, और कहते बुढ़े कॉलेज टाइम से मैं ये करता हूँ। कमाल है कि इतनी जल्दी आप किसी मेडिकल के वो शब्द जो आम लोगों को नहीं पता होते, वो बंदा रोज 10 शब्द पढ़ता था। तो उसको इग्नेशिया दी थी, बहुत डिप्रेशन था, बहुत उसके इग्नेशिया के साथ रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक थे। नेक्स्ट है कि कई बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, ये भी बहुत कॉमन है, बहाने लगाने कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, जैसे ही स्कूल का टाइम खत्म हुआ सब पेट पुट खत्म हो गया, बस कुछ नहीं दर्द हो रहा, फिर वो खेलने में लग जाता है, एवर्शन टू स्कूल। इसमें सिर्फ 4 मेडिसिन है, मेडोरिना, मेट्रोम्योर, एनकेल्केरिया फॉस, और एक आधी और है, और ये भी मैं बहुत बार यूज करती हूँ कि हर हफ्ते बच्चे ने छुट्टी लेनी ही लेनी है, कि मैं मुझे मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी आ रही है, बहाने बनाने, कोई ना कोई बहाने बनाते ही रहना, एंड स्कूल जाने को बिल्कुल मन ना। एक हमने पहले रूब्रिक किया प्रिकॉसिटी, उसके साथ एक और रिलेटेड रूब्रिक है प्रिकॉसिटी, स्कूल बट डज नॉट परफॉर्म टू कैपेसिटी, है कि बच्चा सियाना तो बहुत है, मैच्योर तो बहुत है, लेकिन स्कूल में वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। ये बहुत बार बच्चों को कि नंबर नहीं आते इसके, बच्चा पढ़ा तो इसलिए सारा होता है, इंटेलिजेंट तो बहुत है, मैंने तो सारा याद करवा के भेजा था, लेकिन नंबर नहीं आते, सो डज नॉट परफॉर्म टू कैपेसिटी एट स्कूल। ये बहुत बच्चों में हम ये रूब्रिक यूज करते हैं। और नेक्स्ट रूब्रिक है पल्सेटिला एंड ट्यूबरकुलाइनम का, एक रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब बच्चा कोई चीज अपने बड़े कॉमन सी बात है, अपने पेरेंट्स से कोई चीज मांगता है तो पेरेंट्स रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं ये नहीं मिलेगा, आज मैगी नहीं बनाएंगे। वो कहता है आप तो मुझे प्यार करते मैम प्लीज यू लास्ट डोंट बिट लव, रिपीट करना। यू डोंट लव, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। और कितनी सुंदर बात है कि इन्वर्टेड कॉमास में हमारी रेपोट्री में लिखा है यू डू नॉट लव मी व्हेन रिफ्यूज्ड, ब्लैकमेल इमोशनल सेज यू डोंट लव, ब्लैकमेल करता है कि मुझे तो आप प्यार ही नहीं करते। इसमें दो ऑपोजिट मेडिसिन हैं, एक पल्सेटिला जो इतनी माइल्ड है, इतनी जल्दी रो पड़ना बहुत ज्यादा, और दूसरी ट्यूबरकुलिनम जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, डिस्ट्रक्टिवनेस वाली मेडिसिन। और अभी इसको हम बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, जितने मर्जी रूब्रिक्स हम करते जाएं, और डिजायर्स के साथ रिलेटेड, एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जो हम बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो बहुत कॉमन सी बातें हुई जो हम अक्सर बच्चों से पूछते हैं या उनके पेरेंट्स से पूछते हैं, बड़े कॉमन सी से रूब्रिक है। अब मैं दो तीन इस तरह के केसेस बताऊंगी जो जिनमें ये सब कुछ इस तरह से यूज हुए हैं रूब्रिक्स। अभी हम कुछ केसेस करेंगे और बस मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा जो उसका मेन मेन हेड है, मेन मेन उसका सेंटर है वो ही करवाऊंगी, क्योंकि मैं ग्लूटेन एलर्जी, व्हीट एलर्जी के बहुत ज्यादा मेरे पास केसेस आते हैं, सीलियर केसेस, तो इनमें बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, कार्सिनोजन बहुत इस्तेमाल होती है, फॉस्फोरस होती है, लैकेसिस होती है, हायोसेमस होती है, और बिल्कुल सिंपल बातों के ऊपर। अभी हम एक केस कर रहे हैं, ये एक 8 साल की बच्ची है, और जितने भी मेरे केसेस होंगे सबका कम से कम 5 5 साल का फॉलो अप है, मतलब कि उनको ठीक हुए 5 साल हो गए। तो ये एक बच्ची है, शी इज 8 ईयर्स ओल्ड, थर्ड क्लास की बच्ची है, बहुत गुड स्टूडेंट है, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, शी इज वेरी इंटेलिजेंट एंड क्विक लर्नर, बट शी इज वेरी मिस्चीवियस, शी हैज फियर ऑफ डार्क बट नो फियर ऑफ इंजेक्शंस, शी हैज फियर ऑफ बीइंग अलोन एंड डज नॉट स्लीप अलोन। हर मदर टोल्ड दैट व्हेन शी वाज 4 ईयर्स ओल्ड, शी वाज टू अफ्रेड ऑफ लाउड नॉइसेस, कि जब ये छोटी थी तो तब से ऊंची आवाज से ये बहुत डरती थी, इसको लड़ाई से फियर ऑफ क्वारलिंग, और रोना ही शुरू कर देती थी, कोई किसी को देख लिया, किसी को बीमार को देख लिया तो ये इससे देखा नहीं जाता था, ना ब्लड, ना वूंड्स, ना मिजरी, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। और ठंडी चीजें पीने का, क्योंकि मैं तो बहुत सारे पेशेंट्स में थर्मल्स, थर्स्ट, खाना पीना ये सब मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अगर हम ये थर्मल्स नहीं लेते तो रह सकती हैं, लेकिन हम इसके बिना भी काम चला सकते हैं, पर मैं इनको नोट करती हूँ। तो जो इन्होंने बताया, शी हैज डिजायर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी चीजें, आइसक्रीम, फ्रूट, शी इज वेरी कंटेंट विद एवरीथिंग, इसके पास बहुत चीजें हैं और सबके साथ ये बहुत खुश रहती है, और अभी भी ये बहुत कमजोर थी, इसका एच भी बहुत कम था, बहुत वीक, सिक सिकली अपीयरेंस के, क्योंकि एच भी जितने भी सीलिएक डिजीज के पेशेंट्स होते हैं उनका एच भी 6 7 तक ही रहता है, और जब ये मेरे पास आए थे तो भी इसका एच भी बहुत कम था, तो मैंने इनको मेडिसिन दी। अब ये बताइए कि कौन सी मेडिसिन दी होगी, बस इतनी सी बात, आइडिया लगाइए कि कौन सी फास्फोरस मेडिसिन दी। जी, फास्फोरस और फास्फोरस और कल के रहा थी क्लोज।
सॉरी कैल्केरिया भी क्लोज है मैम. कैल्केरिया ओके, क्योंकि हमने 98 में डॉक्टर जेन शॉल्टन का यहाँ पटियाला में सेमिनार करवाया था, बहुत साल हो गए. तो जेन शॉल्टन नीदरलैंड से वो यहाँ आए थे, हमारे 3 दिन का पटियाला में सेमिनार हुआ था और उन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे टिप्स सिखाए के जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी. तो इस केस में भी बिल्कुल ठीक आपने बोला, फॉस्फोरस दिया है. और डॉक्टर जेन शॉल्टन का फॉस्फोरस का थीम क्या है? फॉस्फोरस का थीम है कम्युनिकेशन, सिंपथी, लर्निंग, टॉकिंग, फ्रेंड्स, नेबर्स, स्टडीज. मतलब हमें जरूरी नहीं है कि हमें थीमेटिक बेसिस पे मेडिसिन निकालते हैं, दूसरे रूब्रिक्स के बेसिस के ऊपर रेपर्टाइज करके. लेकिन जेन शॉल्टन के जितने भी रिजेंटमेंट के उनके थीम्स हैं, या फास्फोरस का थीम है, या अमोनिया ग्रुप के और थीम्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और उन्हीं के बेसिस के ऊपर सीधी की सीधी दवाई लग जाती है. तो जो फास्फोरस का थीम है वो बहुत ज्यादा बातें करता है उसके बहुत, क्योंकि इसमें रह गया फास्फोरस का, तो वो बहुत ज्यादा बातें करता है. वो अकेला कभी नहीं रह सकता है. उसको ठंडी चीजें, उसको आइसक्रीम, उसको मीठी चीजें, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है. और मैं कैसे कंफर्म करती हूँ कि ये फास्फोरस ही पेशेंट है? मैं उनको पूछती हूँ कि मान लो आप बस में जा रहे हो, या कहीं बाहर जा रहे हो, या कहीं पार्क में गए हो, तो क्या जो आपके पास है, जो आपके नजदीक कोई अननोन पीपल है, तो क्या आप उनको बुला लेते हो, उनसे बात बूत कर लेते हो? तो फास्फोरस वाले कभी भी बात किए बिना रह ही नहीं सकते. बस में जाएंगे जो उनके इधर बैठा है, उससे पूछने, उससे बातें करने लग जाएंगे, उससे घर की बातें करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा है, दोस्ती बहुत ज्यादा करते हैं. किसी के साथ भी ये बहुत जल्दी बातें करने लग जाते हैं. ये एक फास्फोरस का कन्फर्मेटरी रूब्रिक है कि ये इनमें कम्युनिकेशन बहुत होता है. और ये पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए, जेन शॉल्टन ने जो थीम दिया है स्टडीज का, वो फास्फोरस का थीम है. फ्रेंड्स, नेबर्स, दोस्तों के साथ और अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ. कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं. तो इस जेन शॉल्टन के थीम के बेसिस के ऊपर, फास्फोरस के थीम के बेसिस के ऊपर मैंने इसको, बच्चे को फास्फोरस दी. और 4 महीने के बाद जो इसका 6 HB था वो 11 हो गया, और उसके बाद 5 महीने के बाद 12.8. सो इस तरह से ये फास्फोरस का केस है. अब हम एक और बच्चे का केस करते हैं. ये भी अब बहुत जल्दी ढूंढ लोगे मेडिसिन. तो इस बच्चे, ये भी सीलिएक डिजीज का है. तो इसमें 7 साल का बच्चा है, पेट में दर्द रहता है, लूज मोशन लगे रहते हैं, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती. ये बड़े कॉमन सिम्टम्स है, ग्रोथ नहीं होती, वेट कम होता है, हाइट कम होती है, और साथ में इसके नी में भी पेन था. तो उन्होंने बोला कि ये कहना कहना तो ठीक ही मानती है. अगर पेशेंट बोले कि ठीक ही मानती है तो उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने बोला कि हाँ बहुत कहना मानती है, ना उन्होंने बोला कि कहना नहीं मानती, बस ठीक ही मानती है, कभी मान लिया कभी नहीं माना. तो इसको हम ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे जो ऐसी 50-50 वाली बातें होंगी. अर्लियर शी यूज्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट, बट नाउ हर इंटरेस्ट इन हर स्टडीज हैज बिकम वेरी लेस. शी हैज बिकम वेरी केयरलेस. She likes to wear new and colorful clothes. She watches a lot of television. She loves music and dancing. She has no fear of dark or injections, but she has become very careless about her books. And whenever her parents don't give her anything, she says, "You don't love me because you don't give me things." Her thirst is less. She cries at every little things. And
becomes quiet when she is loved. So the medicine is I knew. Lexis. No, Lexis. This is pulsatilla. Because blackmail करती है कि आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते और बहुत frivolous है. पहले जब हम study करते थे तो fastidious and frivolous में एक medicine हुआ करती थी, that was pulsatilla. अब का तो मुझे पता नहीं है कितनी additions हो गई होंगी. Pulsatilla के दोनों रूप है, वो fastidious भी बहुत है, वो frivolous भी बहुत है. दोनों में सिर्फ एक ही medicine हुआ करती थी. तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी अपनी books को, अपनी चीजों को ढंग से नहीं रखती. तो यहाँ पर हमने frivolous लिया. We eat aggravate, frivolous, weeping easily, consolation ameliorate, and blackmail says, you don't love me when refused. तो उसको pulsatilla दी और बहुत अच्छे ढंग से pulsatilla से इसको 10 mg तक देनी पड़ी और just एक डेढ़ साल में इसका बिल्कुल TTG 2.3, HB 12.2 इस तरह से ये ठीक. इस तरह से और केसेस भी. ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ये मैं जरूर बताऊंगी. एक 7 साल का बच्चा, उसको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम थी. तो जब केस लेने लगी, वो हमारे एक यूनिट पे आए थे, वहां बड़ा रश हुआ करता था, बस जस्ट 2-4 मिनट ही लगाए. तो मैंने उनसे पूछा कि बच्चे के बारे में बताओ, बच्चे के स्वभाव के बारे में, कैसा है, क्या करता है. कहती इसकी माँ बोली कि डॉक्टर साहब, इसकी एक आदत है कि ये हमारे घर में कोई भी शिपकली हो, लिजर्ड हो यहाँ पर दीवार में, और या कोई भी चूहा हमारे घर में आ जाए तो ये उसको छोड़ता ही नहीं है. लिजर्ड तो हमारे घर में आपको दिख ही नहीं सकती, ना चूहे दिख सकते हैं. ये पकड़ लेता है, लिजर्ड को पकड़ लेता है और उसको जिस तार पे हम कपड़े सुखाते हैं उससे उसकी पूंछ को ऐसे लटका के उसको सूखने डाल देता है. चाहे चूहा हो, चाहे शिपकली हो, चाहे शिपकली की पूंछ ही टूट जाए. तो ही डजंट फील एनी डेंजर, ही डजंट गेट अफ्रेड ऑफ दीज एनिमल्स. बिल्कुल डरता नहीं है लिजर्ड से, छिपकली से नहीं डरता, बिल्कुल भी नहीं डरता, और उनके साथ बल्कि खेलता है कॉकरोचेस जैसे हो. ही एंजॉयज प्लेइंग विद स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस. जी, सो मैंने कहा जी बिल्कुल. तो मैंने उनसे पूछा कि वो ऐसा करता क्यों है. कहते बस कुछ नहीं, उसको मजा आता है करने में और बस वो करता ही रहता है ऐसी चीजें. हमारे घर में आपको कभी शिपकली नहीं दिखेगी. तो मैं तो बड़ी हैरान हुई. ये बड़े शुरू के दिनों की बात है. मैंने सोचा कि क्या लूं, रूब्रिक क्या लूं इसके लिए. तो मैंने कहा ये डरता नहीं. कहते नहीं जी, बिल्कुल नहीं डर. तो मेरे दिमाग में एक रूब्रिक आया, डेंजर नो सेंस ऑफ. और एक बात बताऊं, ये रूब्रिक भी हमारी रेपर्टरीज में से डिसअपीयर हो गया है. मैंने पीछे एक दो बार देखा तो ये दिखता ही नहीं है रूब्रिक. डेंजर नो सेंस ऑफ, के उसको खतरे का कोई आभास ही नहीं है, बिल्कुल वो डरता ही नहीं है. तो इस रूब्रिक में 4 मेडिसिन्स थी, हिपरसल्फ, मर्क, ओपियम एंड प्लैटिना. तो मैंने उनसे और पूछा, मैंने कहा, क्योंकि बहुत पुराने टाइम की बात है, मैंने कहा जब सोता है रात को तो कोई मुंह से सलाइवा इसके. कहते हाँ जी, जब सोता है तो यहाँ से मुंह से सलाइवा इसके निकलता है, कॉर्नर्स पे, यहाँ पे, लिप्स से. तो मेरे लिए ये बड़ा वो था कि हाँ चलो ठीक है, मर्क सॉल का एक. मैंने कहा घूमता फिरता. कहते कि सारा दिन आवारागर्दी करता है, सारा दिन आवारागर्दी. आवारागर्दी का मतलब बिना कारण के ऐसे घूमते फिरते रहना. तो मैंने 2 रूब्रिक्स बेसिकली लिए, डेंजर नो सेंस ऑफ एंड वॉन्डर डिजायर.
दोनों में मर्कसॉल थी, और जो सलाइवे वाला था वो तो हम अक्सर पहले लिया करते थे, और मर्कसॉल 30 की एक डोज दी। उसके बाद जब हफ्ते के बाद जब वो आए तो उन्होंने बोला कि बस एक दो बार ही किया है, पहले तो वो तीन तीन बार यूरिन पास करता था लेकिन इस बार सिर्फ उसने एक बार किया है। उसके हफ्ते के बाद ही डिड नॉट पास एनी यूरिन इन द बेड, इम्प्रूवमेंट आगे फिर हफ्ते के बाद। और एक चार को मेडिसिन स्टार्ट की थी, 20-5 को 100% ओके बिल्कुल, उसके कहते हैं बस पहले हफ्ते में दो तीन बार किया, उसके बाद कभी किया ही नहीं। फिर मुझे क्रियोसिटी हुई ये जानने की कि उसने वो जो छिपकलियां वो करता था, पकड़ता था, चलो चूहा तो चूहे से तो कोई नहीं डरता, छिपकली से तो सारे डरते हैं। कहते जी जिस दिन की आपने दवाई दी है, जो पहले ही दिन दी थी, उस दिन के बाद इसने कभी कोई छिपकली नहीं पकड़ी। तो मुझे लगता था कि ये बहुत उसका मार्क्ड रूब्रिक था, ही स्टॉप्ड प्लेइंग विद लिजर्ड्स एंड स्टॉप्ड होल्डिंग लिजर्ड्स एंड रैट्स एंड टाइंग देम विद क्लिप्स ऑन द वायर। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक केस था मर्कसॉल का। मैम कैन यू प्लीज रिपीट द मेडिसिन, कौन सी थी मर्कसॉल? और डेंजर नो सेंस में चार मेडिसिन है, हिपरसल्फ, मर्क, ओपियम एंड प्लेटिना, और मैंने ये मर्कसॉल भी इसमें यूज की हुई है। इस रूब्रिक को मैंने बाद में बहुत बार इस्तेमाल किया, और ओपियम एंड प्लेटिना का मुझे याद नहीं है, हिपर एंड मर्क ये दोनों मैंने यूज की है, हिपर को भी यूज किया है। सो ये दो तीन केस हैं, और भी केसेस बहुत है लेकिन मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा हो रहा है, सो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर भूपिंदर के वो भी कुछ कहना चाहते हैं। सो प्लीज डॉक्टर भूपिंदर आ जाओ जी, कुछ दसना चाहते हो जी? नीलम जी, आज मैं बात जरूर करूंगा कि हमने कितनी क्लासे जॉइंटली की है, कितने सेमिनार्स, कितनी क्लासेस की है ना। This is your best class, I can say. Excellent. बहुत अच्छा। आज तक की सबसे बढ़िया क्लास आपकी। Oh, thank you. It's very knowledgeable. Thank you very much. बहुत कुछ सीखा भी आपसे। Now we are getting. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am, for wonderful session. Thank you. Thank you so much, ma'am. Welcome. थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन रहा मैम, बहुत ही अच्छा। वीडियो अवेलेबल करवा देना, रिकॉर्डिंग अंजू मैम।